सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम राही सर्विस सेंटर। मैं आपका छोटा भाई चंकी राही, और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मैं रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। रेफ्रिजरेंट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेफ्रिजरेंट होता क्या है। देखो, रेफ्रिजरेंट क्या है, एक हीट कैरिंग मीडियम है जो कि हमारी जो कूलिंग मशीन, जितनी भी कूलिंग मशीन है, जैसे एसी हो गया, बड़े बड़े एसी प्लांट्स हो गए, उनमें हमारा हीट कैरिंग मीडियम मतलब एक ऊष्मा का को एक स्थान से ले जा दूसरे स्थान पर ले जाने के काम करता है। मतलब जहाँ पर गर्मी है उसको गर्मी खींच के दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट काम करता है। ये गैसेस फॉर्म या फ्लूइड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेंट। अभी बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो गाइज, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, एक हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अभी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात कर लेते हैं हम। देखो, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हमारे जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है उसमें डायरेक्टली फ्लो करते हैं और अपने हीट ट्रांसफर का वर्क करते हैं। ये हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, एक कंप्रेसर से गैस कंप्रेस होगी, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में कंडेंसेशन होगा, इसका जो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, उसके बाद एक्सपेंशन में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में, यहाँ पर इसका प्रेशर लो हो जाएगा, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो हमारा एवोपोरेटर में चला जाएगा। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारे जो मैं बोलना चाहता हूँ, डायरेक्टली हमारे कूलिंग जो सिस्टम है उससे कनेक्टेड होते हैं और हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें डायरेक्टली फ्लो करते हैं, वो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। अभी बात करें हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की। जनरली हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स, जो एसी के बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनर हो गया, आइस फैक्ट्री हो गया, उसमें हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने के लिए एक अलग से चिलर सिस्टम होता है, जैसे चिलर होता है, एक यूनिट चिलर। चिलर में क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को कूल करता है। कूल करने के बाद जो हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वाटर होता है वो हमारा जो कूलिंग कॉइल के थ्रू, मतलब जो कूलिंग मीडियम की जो एयर है उसको कूल करने का काम करता है। ऐसे ही आइस फैक्ट्री में, आपको एग्जांपल देता हूँ, आइस फैक्ट्री में क्या होता है, ये पूरा सिस्टम सेम रहता है। आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर रहेगा, कंडेंसर रहेगा, एक्सपेंशन वाल्व रहेगा, उसमें जो एवोपरेटर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे बड़ा एवोपरेटर रहेगा, इसमें कॉइल्स रहेंगी छोटी छोटी, कॉइल्स के थ्रू हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, मतलब रेफ्रिजरेंट इन होगा, रेफ इन से रेफ आउट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, कॉइल्स होंगी और छोटे छोटे चैम्बर्स बने होंगे। चैम्बर्स में क्या करेंगे हम, चैम्बर्स में आइस बनाएंगे हम, आइस के लिए पानी भरा रहेगा, बट इसके चारों ओर भी पानी रहता है, इसके चारों ओर भी पानी रहता है। ये पानी हमारा इससे कूल होता है, जो रेफ्रिजरेंट है उससे कूल होता है, मतलब और इसके अंदर का आइस जम जाता है। अभी आप ये सोच रहे होगे कि मतलब इसके चैम्बर के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, तो पूरा ही आइस क्यों नहीं बनता। इसका कारण ये है कि जो इसके आउटसाइड वाला वाटर रहता है उसमें हम नमक मिला के उसको ब्राइन बना लेते हैं। इट मीन्स मतलब ये जो हमारा इसके बाहर वाला जो वाटर है वो हमारा एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। समझ गए आप, ये दो एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेंट क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।